गुड इवनिंग स्टूडेंट, टुडे विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर 15, हेरिडिटी फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। वी हैव स्टडीड अर्लियर दैट ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग लाइक देमसेल्स। द बबुल एक्शिया प्रोड्यूसेस सीड्स दैट प्रोड्यूस बबुल प्लांट। द ऑफस्प्रिंग ऑफ अ गोट रिजेंबल अ गोट व्हाइल दैट ऑफ ह्यूमंस अ ह्यूमन। दो ऑफस्प्रिंग रिजेंबल देयर पेरेंट्स, दे शो सम डिसिमिलैरिटीज एज वेल। अभी तक हमने देखा है कि एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होता है और अपने जैसा ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। जैसे कि बबुल की सीड्स को, प्लांट सीड को आप यदि उसको सो करोगे तो आपको उसमें से क्या मिलेगा, एक बबुल प्लांट ही मिलेगा। या गोट से आपको नया गोट ही मिलेगा, ह्यूमन से नया ह्यूमन बींग ऑफस्प्रिंग आता है। तो इस तरह से जो भी उनके ऑफस्प्रिंग में, या जिसको हम प्रोजेनी भी बोलते हैं, तो उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं उनके पेरेंट्स की तरह। बट इसके अलावा उनमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि उनके पेरेंट्स में नहीं होते हैं, दैट इज़ डिससिमिलर कैरेक्टर्स। तो यही जो कैरेक्टर्स जिनमें सिमिलर होते हैं या डिससिमिलर होते हैं, इसी का स्टडी हम इस चैप्टर में करने जा रहे हैं। सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज इन ऑर्गेनिज्म, वेरिएशन इन एनिमल्स। Example given humans, what you have to do when activity is given to you. Last year you had studied several similar and dissimilar character among you and your friend. Now you shall study this within your family. Observe the character given in the table among the family members in you and put a mark where you find the character present in you and your family members. आपको right tick करना है जहाँ पे आपको वो character आपके parents में या maternal या paternal grandpa, मतलब दादा दादी, नाना नानी, आपके mother और father और आप में जो character आपको same दिख रहे हैं। जैसे कि दिया है यहाँ पे character color of eye black, brown, green या एनी अदर, तो जो भी आपको मिल रहा है जो सिमिलर है उसमें आप टिक करोगे। जैसे डिम्पल चिन है, येस और नो, तो जिनमें है आप में और आपके फिर मदर फादर, मैटरनल दाद, ये नाना नानी, दादा दादी से आप कंपेयर करोगे। ठीक है, ये सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। रोलिंग ऑफ टंग, देन फिंगर नेक्स्ट टू टो। फिंगर नेक्स्ट टू टो जो होता है, अंगूठे के बाजू वाला फिंगर, वो उससे बड़ा है या छोटा है, दैट यू हैव टू मेंशन। ईयर लोब, आपका जो ईयर लोब होता है जिसको हम पिन्ना बोलते हैं, आउटर ईयर, तो ये जो है वो कैसा है, अटैच है कि फिक्स है, जिसमें कान में बाले डालते दैट वाला पोर्शन ना, वो कैसा है, अटैच है या फिर फ्री है, दैट यू हैव टू कंपेयर विथ योर पेरेंट्स एंड मैटरनल एंड पैटर्नल पेरेंट्स। ओके, केबल्स ऑफ कैपेबल ऑफ बेंडिंग द थम, थम बैकवर्ड आप बेंड कर सकते हो कि नहीं, कि सीधा ही रहता है। तो ये सारे कैरेक्टर्स आप कंपेयर करोगे अपने फैमिली मेम्बर के साथ और उसको फिर क्या देखोगे कि उसमें कुछ कैरेक्टर आप में और आपके पेरेंट्स में सिमिलर है, या कुछ कैरेक्टर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके और आपके ग्रैंड पेरेंट्स में है और आपके पेरेंट्स में वो मिसिंग है। मीन्स सम कैरेक्टर्स हैव पास ऑन टू यू फ्रॉम यूअर पेरेंट एंड ग्रैंड पेरेंट। सच कैरेक्टर दैट पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन आर कॉल्ड हेरिटेबल कैरेक्टर। तो ऐसे जो कैरेक्टर्स है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं, उनको हम बोलते हैं हेरिटेबल कैरेक्टर। एंड द स्टडी ऑफ द प्रोसेस इन विच दे ट्रांसफर इज कॉल्ड हेरिडिटी। और इसी कैरेक्टर का स्टडी जो एक नेक्स्ट जनरेशन टू वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास होते हैं, उसका जो हम स्टडी करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, हेरिडिटी। यू हैव ऑब्जर्व दैट सम कैरेक्टर प्रेजेंट इन यूअर फैमिली मेंबर वे आर नॉट प्रेजेंट इन यू। द डिससिमिलैरिटीज दैट वी ऑब्जर्व इन स्पाइट ऑफ सिमिलैरिटीज आर वेरिएशंस अबाउट विच वी हैव स्टडीड इन चैप्टर 1। इवोल्यूशन चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, डिससिमिलैरिटीज ऑब्जर्व इन स्पाइट ऑफ सिमिलैरिटीज। ये डार्विन की थ्योरी हम लोग पढ़े थे इवोल्यूशन में, जिसने गैलापग आइलैंड पे उन्होंने फिंचेस के बीक का स्टडी किया था। वेरिएशन इन प्लांट्स, देयर आर सेवरल सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज इन प्लांट एज वेल। प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज शेयर सेवरल सिमिलैरिटीज। Thank you.
देयर आर सेवरल सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज इन प्लांट्स एज वेल. प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीशीज शेयर सेवरल सिमिलैरिटीज लाइक सिमिलर शेप ऑफ फ्लावर और लीव्स, बट वेरिएशंस आर सच दैट इवन ऑन द सेम प्लांट इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड न्यू टू सेम लीव्स. हम लोग बहुत सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे रोज़ प्लांट को इफ़ यू ऑब्जर्व केयरफुली तो बहुत सारे रोज़ प्लांट के आप लीफ का शेप देखोगे, या फिर रेड रोज़ फ्लावर, रेड रोज़ प्लांट और दूसरा रेड रोज़ प्लांट, उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ आपको देखने को मिलेगी. कलर ऑफ़ द फ्लावर इज़ सेम, फिर लीफ ऑफ कलर ऑफ़ द लीफ इज़ सेम, बट इफ़ यू ट्राई टू फाइंड टू सिमिलर लीव्स, एक जैसे लीव्स एक ही प्लांट पे देखने को जाओगे तो वो मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है. दैट इज़ अ डिसिमिलैरिटी. या फिर हम बोल सकते हैं कि रोज़ प्लांट ही है, सारे रोज़ प्लांट हैं बट उनके फ्लावर के कलर क्या हैं, डिफरेंट है. तो कुछ सिमिलैरिटीज़ और कुछ डिसिमिलैरिटीज़ हमें यहाँ पे दिखने को मिली है. दैट डिसिमिलैरिटीज़ वेरिएशंस इन प्लांट. People have been observing variation in plant over a long period of time and developing plants of different traces by selecting different characters. और ये plant के में जो variations हो रहा है इसका study बहुत सालों से हो रहा है over a long period of time. और ये क्या करते हैं, and developing plants of different traces by selecting different character. और hybrid variety के plant तैयार किए जा रहे हैं, सब plant के अच्छे characters को लेके एक नया plant तैयार किया जाता है. People had observed that characters of one generation passed to on to the next or the forthcoming generation. और उसमें जो characters है वो pass होते हैं hybrid plant में भी from one generation to next. But the question was how do different characters develop and how are they passed on from one generation to next. Character pass हो रहे हैं from one generation to next, but ये जो process है इसका mechanism जो है ये क्या है, ये कैसे characters develop हो रहे हैं और pass हो रहे हैं from one to next generation. Heredity and Mendel's contribution. Intensive study started in 19th century to find out how characters are passed on from one generation to next. 19th century में बहुत study किया गया इसका कि character जो है वो एक generation से दूसरे generation में कैसे pass होते हैं या कैसे देखने को मिलते हैं. Darwin had observed different characters in organism across generation and proposed the theory of origin of species by evolution. Evolution chapter में हम Darwin का theory पढ़ चुके हैं, वहाँ पे उन्होंने जो different animals का study किया था उसके conclusion उन्होंने निकाले थे, जिसको we have already studied and the video is also on YouTube available, you watch that video. Though he observed character passing from one generation to next, he could not explain the mechanism of process clearly. उन्होंने फिंचेस के बारे में बता तो दिया था कि फिंचेस का जो बिक का शेप है वो डिफरेंट है ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशन, बट ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वही फिंच के बिक का शेप आपको मिल रहा है, ये जो प्रोसेस है वो उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन वो नहीं कर पाए. डार्विन एंड मेनी ऑफ हिज कंटेम्पररी साइंटिस्ट वेयर वर्किंग टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म अमंग विच द ऑब्जर्वेशन एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेगर जॉन मेंडल आर मोस्ट रिमार्केबल. तो डार्विन और उस समय के और जो भी साइंटिस्ट थे उनका इसी के ऊपर वर्क चल रहा था, तो उससे सबसे ज़्यादा जो बोल सकते हैं इसमें योगदान रहा है या बहुत ज़्यादा रिसर्च जो किया गया है वो किया गया है ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा. A monk in a monastery in Austria, Mendel was inquisited from childhood and interested in gardening. ये एक क्या बोलते हैं monastery तो हो सकता है, it may be a church और मंदिर, हम लोग तो मंदिर जानते हैं, but may be a church हो सकता है, एक मठ था और उस मठ के वो क्या थे मठाधिपति या बोल सकते हैं वहाँ के जो हेड होंगे वो थे वो, और ये मॉनेस्ट्री कहाँ थी ऑस्ट्रिया में, वो मठ था ऑस्ट्रिया में. मेंडल को बचपन से ही गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, एंड ही वुड प्लांट डिफरेंट प्लांट्स इन द गार्डन ऑफ हिज मॉनेस्ट्री. और उनके मठ में उन्होंने बहुत सारे क्या किए थे प्लांट को लगाया था, एंड ट्राई आउट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट ऑन देम, और उसके ऊपर वो हर बार एक्सपेरिमेंट करते रहते थे. ही कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ अराउंड 10,000 वेल डॉक्यूमेंटेड एक्सपेरिमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ नियरली 12 ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर 1856. उन्होंने 1856 से गार्डनिंग का ये
एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था और लगभग 12 साल में उन्होंने 10,000 एक्सपेरिमेंट किए थे अलग अलग प्लांट पे। दिस लेड टू पाथ ब्रेकिंग ऑब्जर्वेशन एंड अ रिसर्च पेपर विच दो नॉट एक्नॉलेज इन हिज टाइम फॉर्म्स द बेसिस ऑफ हेरिडिटी नाउ। तो उनका जो भी रिसर्च वर्क था उन्होंने उस समय रिसर्च पेपर के द्वारा उसको पब्लिश भी किया था, बट उसको उस समय ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया गया, बट आज की डेट में वो एक हेरिडिटी की लिए बेसिस हो गया है। इवन आफ्टर दैट ही कैरिड ऑन विथ हिज एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी बेटर एंड चेक इफ हिज प्रीवियस ऑब्जर्वेशन वेयर यूनिवर्सली अप्लीकेबल। फिर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को, यदि उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिला है उनके रिसर्च पेपर को, तो उन्होंने अपना काम छोड़ा नहीं, वो अपना काम कंटिन्यू करते रहे और उन्होंने देखा कि जो भी रिसर्च उन्होंने किया है, जो भी एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन है, ये यूनिवर्सली अप्लीकेबल है कि नहीं, इसका भी स्टडी उन्होंने स्टार्ट किया। ही डॉक्यूमेंटेड ऑल हिज ऑब्जर्वेशन एंड कंटिन्यूसली कम्युनिकेट द सेम विथ हिज कंटेम्पररीज। और उस समय उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस को दूसरे जो साइंटिस्ट है उनका वर्क था उनके साथ कंपेयर किया। एंड ही वुड आल्सो रीड एंड एनालाइज डॉक्यूमेंट रिटन बाय अदर साइंटिस्ट ऑफ हिज टाइम लाइक डार्विन हु वेयर परफॉर्मिंग सिमिलर एक्सपेरिमेंट एंड राइटिंग अबाउट देम। तो उस समय जो डार्विन का काम था, जो भी अपना उनका वर्क था, ऑब्जर्वेशन था, उसका भी स्टडी इन्होंने किया और अपना स्टडी उसके साथ उनके साथ कंपेयर किया। वी केम टू नो अ लॉट अबाउट द प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी, दैट इज ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। तो हेरिडिटी की एक सादी भाषा में हम डेफिनेशन बोलते हैं तो ये कैरेक्टर का ट्रांसफर है पहली जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। विद द हेल्प ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, मेंडल यूज मैथमेटिकल कैलकुलेशन टू हाइपोथिसाइज एंड कंफर्म हिज रिजल्ट। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के जितने भी ऑब्जर्वेशंस थे उनका एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया और उसके बेसिस पे कुछ वो कंक्लूजन पे आए। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट एंड देयर ऑब्जेक्टिव्स, मेंडल लॉ मेंडल वॉज ट्राइंग टू लुक फॉर अ लॉ दैट कुड बी अप्लीकेबल टू द हेरिडिटी ऑफ एटलीस्ट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लाइक येलो एंड ग्रीन सीड कोट कलर ऑफ पी सीड और वाइट एंड पर्पल कलर ऑफ पी फ्लावर एज ऑब्जर्व बाय हिम। मेंडल एक कोशिश कर रहे थे कि ये कुछ लॉ मैं निकालूँ, ऐसा कुछ एक जनरल एक डेफिनेशन या जनरल स्टेटमेंट मैं कर सकूं कि जो अप्लीकेबल रहेगा एटलीस्ट येलो ग्रीन सीड कोट, मतलब अलग अलग ग्रीन या येलो पी प्लांट के लिए, वाइट पर्पल एंड वाइट कलर पी, अलग अलग कलर के क्या बोलेंगे फ्लावर के प्लांट, पी प्लांट के लिए। ही वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू लुक फॉर अ वे टू बी एबल टू प्रेडिक्ट हाउ मच वेरिएशन मे बी ऑब्जर्व फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। और उनकी ये भी कोशिश रही कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कितने कैरेक्टर में वेरिएशंस आ रहा है। मेंडल हैड स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग ऑन बीज बट ही क्विकली शिफ्टेड टू पीज एज प्लांट वेयर इजी टू कंट्रोल एंड ऑब्जर्व। मेंडल ने अपनी शुरुआत में एक्सपेरिमेंट के लिए बीज को चुना था बट बाद में उन्होंने पी प्लांट को शिफ्ट किया, पी प्लांट पे अपना रिसर्च चालू किया क्योंकि पी प्लांट को कंट्रोल करना और उसको ऑब्जर्व करना आसान था एज कंपेयर टू बीज। मोर ओवर देर आर सर्टन कैरेक्टर्स ऑफ पी प्लांट ऑफ पी फैमिली दैट मेंडल वॉज ऑलरेडी अवेयर ऑफ। और इसके अलावा और एक बात थी कि पी प्लांट के यानी प्लांट के बारे में उनको पहले से ही कुछ पता था। उन्होंने पी प्लांट को ही चूज क्यों किया उसके लिए उन्होंने रीजंस दिए हैं। पीज आर एनुअल प्लांट, ये कैसे एक साल रहने वाले प्लांट है, उनका लाइफ साइकिल छोटा होता है, एक साल होता है। जनरेशन ऑफ पी प्लांट में भी ऑब्जर्व एंड स्टडीड इजीली, इनकी जनरेशन को हमें स्टडी करना बहुत आसान है क्योंकि लाइफ साइकिल छोटा है। पी फ्लावर्स आर यूजुअली सेल्फ पॉलिनेटेड वेयर पॉलिनेशन इज कंप्लीटेड इन द बर्ड स्टेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव क्राउन ओवर रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये कैसे पी फ्लावर्स जो है ये यूजुअली सेल्फ पॉलिनेटेड है, पॉलिनेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है, इनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है और इनके बर्ड स्टेज में ही पॉलिनेशन होता है और जो भी उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसको ऑलरेडी क्या रहता है, एक प्रोटेक्टिव क्राउन रहता है। दिस ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट प्योर अक्रॉस सेवरल जनरेशन। और यही एक रीज़न है कि जिसकी वजह से आपको जो नेक्स्ट जनरेशन वाला पी प्लांट मिल रहा है उसमें भी जो भी एक प्योर पी प्लांट मिल रहा है उसमें सारे कैरेक्टर्स आपको मिल रहे हैं, मतलब पॉलिनेशन के समय वहाँ
वहाँ पे क्या है, बर्ड स्टेज में हो रहा है और एक प्रोटेक्टिव वे में हो रहा है, जिसकी वजह से न्यू जनरेशन पी प्लांट कैसा रहता है, प्योर। क्रॉस पॉलिनेशन कैन दस बी डन आर्टिफिशियली एंड एक्वायर एक्सपेक्टेड रिजल्ट एज देयर इज लिटिल चांस ऑफ अदर पोलन ग्रेन रीचिंग द फ्लावर। इसमें आप क्रॉस पॉलिनेशन आर्टिफिशियली भी कर सकते हो और दूसरे पोलन ग्रेन इसमें मिक्स होने के चांसेस बहुत कम है, दस एक्सपेक्टेड क्रॉसेस ऑफ और हाइब्रिड ऑफ पी प्लांट कैन बी ऑब्टेन इजीली। तो आपको जो हाइब्रिड पी प्लांट मिलेगा उसमें प्योर पी प्लांट के ही कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। द प्लांट आर बाइसेक्सुअल, ये जो प्लांट है ये बाइसेक्सुअल है, हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन द सेम प्लांट हियर इन द सेम फ्लावर। इफ द मेल सेक्सुअल पार्ट और स्टेमन आर रिमूव्ड देन द प्लांट बिहेव एज अ यूनिसेक्सुअल वन। तो ये बाइसेक्सुअल होने के कारण यहाँ पे फीमेल और मेल फ्लावर एक ही प्लांट पे मिलते हैं, और गलती से यदि स्टेमन इसमें से रिमूव किया दैट इज मेल सेक्सुअल पार्ट, तो वो जो प्लांट है वो बिहेव करता है यूनिसेक्सुअल वन के जैसा। हाइब्रिड फॉर्म आर फर्टाइल नॉट स्टराइल एज फाउंड इन मोस्ट केसेस। और जो भी हाइब्रिड प्लांट आपको मिल रहा है दो पी प्लांट को क्रॉस पॉलिनेट करके, वो भी कैसा है, उसमें से भी आप नया हाइब्रिड प्लांट तैयार कर सकते हो, मीन्स इट इज़ फर्टाइल, वो स्टराइल नहीं है। पीज हैव वेराइटीज दैट शो क्लियर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। पी प्लांट में बहुत सारी वेराइटीज़ है और उसमें बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्लियरली विजिबल है। यही सारे रीजन्स थे कि मेंडल ने अपनी एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को चूज़ किया है। उन्होंने जो पी प्लांट लिए हैं उनके शेप ऑफ द सीड, उनका राउंड और रिंकल्ड है, कलर ऑफ द सीड डिफरेंट लिए है, कलर ऑफ फ्लावर वायलेट और वाइट लिया है, कंडीशन ऑफ पॉड सोलन और कॉन्स्ट्रिक्टेड, देन कलर ऑफ पॉड ग्रीन येलो, पोजीशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर कहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे टर्मिनल एंड पे आ रहे हैं या एक्साइल एंड पे आ रहे हैं, क्लियरली विजिबल। देन लेंथ ऑफ द प्लांट, एक का ट्वाल है, एक का कैसा है ड्वार्फ है। इस तरह से अलग अलग कैरेक्टर वाले प्लांट इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चूज़ किए। ही मेड सर्टन अरेंजमेंट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट एंड ही वुड अलाउ सेल्फ पॉलिनेशन इन सम पी प्लांट वाइल क्रॉस पॉलिनेशन इन अदर। कुछ प्लांट में इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन किया, कुछ में क्रॉस पॉलिनेशन किया। ही वुड कंटिन्यू एक्सपेरिमेंटिंग विद सीड्स ऑब्टेन बाय क्रॉस पॉलिनेशन, और क्रॉस पॉलिनेशन के जरिए मिले हुए सीड्स को वो मतलब उस प्लांट के सीड को वो क्या किए, उन्होंने अलग से रखा। ईच टाइम दैट ही ऑब्टेन सीड इन अ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट ही वुड काउंट ऑल देम एंड सिलेक्ट एंड सो सीड्स ऑफ प्लांट दैट शोड पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैरेक्टर। और फिर वो क्या करते, पर्टिकुलर कैरेक्टर दिखने वाले प्लांट के सीड को वो फिर से लगाने लगे। Why did Mendel carry out cross pollination to obtain hybrid seed? इन्होंने cross pollination क्यों किया hybrid seeds के लिए, ताकि उनके जो characters है उनका study अच्छे से हो contrasting characters का। Why was Mendel studying mostly contrasting character? Contrasting character का ही study इन्होंने क्यों किया, क्योंकि उनको क्या करना था उसमें, उनका study, उनका mechanism study करना था। रिजल्ट ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, सम पी प्लांट्स बियर व्हाइट फ्लावर वाइल सम अदर बियर व्हाइट फ्लावर्स। मेंडल सिलेक्टेड सच वेराइटीज ऑफ प्लांट ऑब्टेन देयर सीड्स एंड ग्रीव मोर प्लांट आउट ऑफ देम। इन्होंने क्या किया, ऐसे पी प्लांट को सिलेक्ट किया जिसमें व्हाइट फ्लावर्स आते हैं और उनकी सीड्स को सो किया और उससे और ज़्यादा प्लांट तैयार किए। ही नाउ अलाउड सेल्फ पॉलिनेशन टू टेक प्लेस इन प्लांट्स ऑफ पर्टिकुलर वेराइटी एंड ईच टाइम ही सिलेक्टेड फ्लावर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर। फ्लावर की कलर के बेसिस पे उन्होंने प्लांट को सिलेक्ट किया। ही कैरिड आउट दिस प्रोसेस फॉर सम जनरेशन टिल ही कुड एंश्योर दैट सीड्स ऑफ प्लांट विद पर्पल फ्लावर वुड यील्ड ओनली पर्पल फ्लावर वाइल दोज विद व्हाइट फ्लावर वुड ऑब्टेन व्हाइट फ्लावर। और इस तरह से इन्होंने जब तक व्हाइट फ्लावर के पी प्लांट से सिर्फ व्हाइट कलर के फ्लावर और पर्पल कलर के पी प्लांट से सिर्फ पर्पल कलर के फ्लावर जब तक नहीं मिलते हैं तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू किया, और फिर उसके बाद वाइट और पर्पल में क्रॉस पॉलिनेशन किया। मेंडल कॉल्ड दिस वेराइटीज़ प्योर, और वो जो वेराइटीज़ उन्हें मिली थी वाइट और पर्पल कलर के पी प्लांट की वो प्योर थी। ही स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट विद दिस वेराइटीज़ ऑफ प्योर प्लांट, ही सोड सीड्स ऑफ प्योर वेराइटीज़ एज प्लांट ग्रू एंड स्टार्टेड फ्लावरिंग ही क्रॉस पॉलिनेटेड देम। द सीड्स ऑब्टेन फ्रॉम क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर और द हाइब्रिड सीड यील्डेड वेराइटीज़ दैट बोर ओनली पर्पल फ्लावर। और उन्होंने देखा कि जब उनका क्रॉस पॉलिनेशन किया तो नया जो प्लांट मिला उसमें सिर्फ उनको पर्पल ही कलर के फ्लावर मिले, व्हाइट कलर के फ्लावर नहीं मिले। उस जनरेशन को उन्होंने नाम दिया है F1 जनरेशन प्लांट।
तो इनका वाई इंटरमीडिएट वेराइटी मतलब पर्पल और वाइट के बीच का ऐसे उनको वेराइटी क्यों नहीं मिला, या फिर वाइट कलर के फ्लावर्स यहाँ पे क्यों नहीं मिले? तो मेंडल नाउ सेल्फ पॉलिनेटेड दिस फर्स्ट जनरेशन प्लांट। फिर उन्होंने क्या किया, जो पर्पल कलर का ही जनरेशन उनको फ्लावर मिले उसको उन्होंने फिर से क्या किया, सेल्फ पॉलिनेट किया। द सीड्स ऑब्टेन वेयर दे आर सोन टू दी टू हिज अटर सरप्राइज ही फाउंड दैट दिस यील्डेड प्लांट ऑफ प्योर पेरेंटल जनरेशन एज वेल एज दैट हैड स्टार्टेड विथ नॉट ऑल प्लांट यील्डेड पर्पल फ्लावर। फिर नेक्स्ट जो F2 जनरेशन प्लांट उनको मिले तो उसमें उनको क्या मिला, 705 पर्पल फ्लावर और बचे हुए वाइट फ्लावर। तो उनका रेशो यदि निकालते हैं तो वो उनको मिला 3.15:1, या बोल सकते 3:1। मेंडल स्टडीड सेवरल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर एंड ही फाउंड दैट पेरेंटल वेराइटीज विद कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑलवेज गेव अ रेशो ऑफ नियरली 3:1 इन द सेकेंड जनरेशन। तो सेकेंड जनरेशन जो F2 जनरेशन के प्लांट है उनमें जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आपको मिल रहे हैं वो कैसे है, 3:1। नाउ यू रीड द चैप्टर। थैंक यू।